नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज बिग बैश का एक भी मैच नहीं खेला जा रहा है, लेकिन कल का जो दिन है, जी हां कल का जो दिन है 26 दिसंबर का, उस दिन खेले जाएंगे बिग बैश के दो मैच, यानी कि डबल हैडर्स होंगे। और डबल हैडर्स का जो मॉर्निंग का सबसे पहला मैच होगा, जहां पे एक तरफ खेलेगी सिडनी सिक्सर्स की टीम, दूसरी तरफ खेलेगी मेलबर्न स्टार्स की टीम। देखिए सिडनी सिक्सर्स का खाता तो खुल चुका है, मतलब लगातार हारते आ रही थी, लेकिन लास्ट मैच सिडनी सिक्सर्स ने जीता है। अब देखिए जो ये मैच होगा ना, ये मैच आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। ये मैच इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया मैच होने वाला है, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा से बात है कि आप देखोगे कि यार हेनरिकस फ्लोप हो रहा है, छोड़ देंगे, वीडियो देखने की क्या जरूरत है। मार्कस स्टोइनिस फ्लोप हो रहा है, छोड़ देंगे, वीडियो देखने की क्या जरूरत है। लेकिन आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो वही चीज बोलूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, बाकी कैसे मैचेस जा रहे हैं आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे देखिए आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज हैं वो आप सबसे पहले देख सके। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे बढ़े उससे पहले ये देखिएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जी हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सारे लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना कैसे है? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर जब आप कमेंट बॉक्स में जाओगे वहां पे भी आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स देखिएगा, टॉस के बाद बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ अपडेट्स न्यू आती है, वेदर का पता चलता है, पिच का, करंट पिच का पता चलता है, तो वो अपडेट्स आपको सारी इसी टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। तो जरूर से जुड़ जाइए, आपका नुकसान नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं। देखिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा, और यहां पे वेदर रिपोर्ट को लेके बात करते हैं तो बरसात आने की संभावना है नहीं अभी तक। तो अब देखिए वेन्यू कैसा है। देखिए ये जो पिच है ना, ये आप ऐसा बोल सकते हो कि हेल्प फॉर द बिग हिटर्स, यानी कि जो बिग हिटर्स है उनको ये लाइक जो क्या नाम बोलते हैं, मार्कस स्टोइनिस टाइप हो गए, हिल्टन कार्टराइट हो गए, तो ऐसे प्लेयर्स को है ये सपोर्ट करती है। जी हाँ, ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। बाकी स्टार्टिंग में यहां पे विकेट्स गिरी है और स्टार्टिंग में विकेट्स देखने को मिलती है, लेकिन यहां पे जो लास्ट मैच खेला गया था मे बी वो क्या कुछ रहा था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। 50 मैचेस खेले जा चुके हैं, 23 फर्स्ट बैटिंग ने, 26 है वो चेस करने वाली टीम ने। यहां पे देखोगे 158 का एवरेज स्कोर है। 100 देखिए जो 50 मैच खेले गए हैं, इन 50 मैचेस में से केवल 8 मर्तबा 190 प्लस गया है, और 170, 189, 11 मर्तबा, 150, 169, 11 मर्तबा, लेकिन यहां पे 150 से नीचे का स्कोर भी है वो 20 मर्तबा बना है। जी हां 20 मर्तबा। और यहां पे जो लास्ट मैच इस वेन्यू पे खेला गया था वहां पे ओनली 137 रन बने थे, लेकिन वो चीजें आपको बताऊंगा। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, मैं उस मैच को आपको दिखाता हूं। ये देख ये वो मैच है जहां पे सिडनी और हॉबार्ट खेली थी 22 दिसंबर को। यहां पे सिडनी सिक्सर्स ने डिफीट किया था 137 रन, पेसर्स को 6 और स्पिनर्स को 6 विकेट मिला। अब देखिए जब ये सिडनी सिक्सर्स का मैच हुआ था, सिडनी सिक्सर्स की टीम बैटिंग कर रही थी, इनका पावर प्ले है वो काफी बढ़िया गया था। जी हां, इनका पावर प्ले है वो काफी बढ़िया गया था। मे बी शायद इनकी पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरी थी, क्योंकि
जो फिलिप्स थे उन्होंने 43 कर दिए थे, वो एज ए ओपनर खेलते हैं। जो पीटरसन, जो कर्टिस पैटरसन है, उन्होंने शायद 38 कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं इतने रन पावर प्ले में नहीं बने थे, पावर प्ले में विकेट नहीं गिरी थी, हालांकि स्विंग था लेकिन विकेट्स नहीं गिरी थी। बाद में सारी विकेट्स गिरी और बड़ा स्कोर नहीं बन पाया। और एक चीज इसमें यह भी थी कि 14 ओवर का यह मैच हुआ था, यहां पर बरसात आई थी। दूसरा, ये 9 नवंबर का मैच है, न्यूजीलैंड 152, पाकिस्तान 153, पेसर्स को 4 स्पिनर्स को 2, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। श्रीलंका 141, इंग्लैंड ने चेस कर लिया, ये भी 5 नवंबर का मैच है, पेसर्स को यहां पे ज्यादा विकेट्स मिली। पाकिस्तान ने 185 किए, साउथ अफ्रीका की टीम है वो चेस नहीं कर पाया था, यहां पे भी स्टार्टिंग में विकेट्स देखने को मिली थी, जहां तक आपको यह मैच याद होगा। पेसर्स को 13 और स्पिनर्स को यहां पर 3 विकेट मिला था। ओवरऑल हाई स्कोरिंग एवरेज, सॉरी लो स्कोरिंग एवरेज, लो स्कोरिंग, तो हर टाइप के स्कोरिंग होती है, बट ये जो मैच है 150 और 160 वाला जा सकता है। बट जो भी कंडीशन, जिस तरीके की वेन्यूज है, वेन्यूज एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ दोनों टीमों के जब आप बैट्समैन को देखेंगे तो बैट्समैन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 170 टच कर सकती है। बाकी देखिए, मैच है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। यहां पे देखिएगा, यहां पे आप अगर आप लोग देखोगे जो हेड टू हेड मैचेस है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सारे लोग अभी से वीडियो लाइक कीजिए। ये देखिए 15 दिसंबर 2021 का यह मैच है, यहां पे मेलबर्न ने 187 किए और सिडनी ने चेस कर दिया। अब मेलबर्न स्टार्स की टीम से देखोगे ना तो आपको किसके यहां पे आपको दिखेंगे, सारे प्लेयर्स फ्लॉप दिखेंगे। एक लार्कन ने 23 किए, बाकी जोए क्लार्क फ्लॉप, मार्कस टोइनिस फ्लॉप, कुल्टर नाइल जो इस मैच में आपको नहीं दिखेंगे खेलते हुए वो भी फ्लॉप, एडम जेम्बा फ्लॉप। सिडनी सिक्सर से फिलिप ने 99 कर दिए, जेम्स विंस फ्लॉप थे, हैंडकस एवरेज है, क्रिश्चियन फ्लॉप, द्वारस्विस फ्लॉप। यहां पे सिक्सर्स ने 213 किए और मेलबर्न स्टार्स की टीम केवल 61 रन पे ऑल आउट हो गई। यहां पे भी फिलिपी ने 83 कर दी, 83 कर दिए, फिलिपी अच्छा दिखे, जेम्स विंस यहां पे अच्छे दिखे, हैंड्रिकस ने यहां पे 76 नाबाद किए, हेडन कैर को 2 विकेट, सीन एबोट को यहां पे 3 विकेट, स्टेवन ऑकिफ को 4 विकेट। यहां पे आपका गेम चेंज होगा भाई साहब इन चार प्लेयर में, और सॉरी इन चार प्लेयर में, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं, फोकस करना। यहां पे जोए क्लार्क, यहां पे भी फ्लो, नील लार्किन यहां पे भी फ्लो, ब्रैडी कॉच जिसके इस मैच में खेलने के चांसेस है, इन्होंने 2 विकेट निकाली, सैम रैनबर्ड 1 विकेट। यहां पे मेलबर्न ने 177 किए, सिक्सर्स जीत गया। स्टोइनिस फ्लॉप, लार्किन फ्लॉप, कार्टराइट ने यहां पे 38 कर दिए, नाबाद थे, नाथन कुल्टरनाइल फ्लॉप, रैनबर्ड फ्लॉप। सिडनी सिक्सर से जोस फिलिपे फ्लॉप, जेम्स विंस ने 86 किए, क्रिश्चियन ने 49, हेनरिकस ने यहां पे अच्छा किया, जॉर्डन सिल्क ने यहां पे अच्छा किया, सीन एबट को 2 विकेट, और यहां पे आप देखोगे सॉरी द्वारसिस को है वो यहां पे 3 विकेट मिले। अब देखिए, जब आप इन तीनों मैचेस को देखोगे तो एक तो जो मेलबर्न स्टार्स की टीम है वो कहीं ना कहीं जो सिडनी सिक्सर्स की टीम है ना, जी हां, कहीं ना कहीं जो सिडनी सिक्सर्स की टीम है उसके सामने स्ट्रगल कर रही है, फंस रही है मेलबर्न स्टार्स की टीम, ये चीज आपको दिख गई। दूसरी चीज, यहां से एक तो फिलिपी बढ़िया दिखे, जेम्स विंस है जिन्होंने 3 में से 2 मैचेस में परफॉर्म किया, हेनरिकस है जिन्होंने 3 मैचेस में देखे, यहां पे 38 आपको दिखेंगे, यहां पे अगर आप लोग देखोगे आपको 76 दिखेंगे, यहां पे 29, यानी कि 3 में से एक भी मैच ऐसा नहीं गया जहां पे मॉइज़ेस हेनरिकस फ्लॉप हुए हो। उसके अलावा देखोगे यहां पे जो मेलबर्न स्टार्स की टीम है वो कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर्स के टीम के सामने खेलती हुई फंसी है, फोकस करना इस चीज को, ये आपकी हेल्प करेगी। सिडनी की प्लेइंग 11 आई थिंक मुझे लगता है ये होनी चाहिए, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सिडनी सिक्सर्स का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, डैनियल क्रिश्चियन जा सकते हैं, बाकी मुझे लग रहा है कि खेलने चाहिए, फिर टॉड मर्फी भी जा सकते हैं, इनके जगह द्वारस्विस आ सकते हैं, लेकिन अभी तक स्क्वाड नहीं आया है। लेकिन अभी दिखा, जोस फिलिपे, कर्टिस पैटरसन, जेम्स विंस, मॉइज़ेस, जॉर्डन सिल्क, क्रिश्चियन, हेडन कैर है, सीन अबाउट है, स्टेवन है, टॉड मर्फी है, नवीन उलहक है। डेथ में गेंदबाजी जो नवीन उलहक और जो हेडन कैर, डैनियल, सीन अबाउट, ये तीनों आपको डेथ में मिलेंगे, यानी कि 16 ओवर के बाद क्या होता है ना कि 2 ओवर्स तो यहां पे हेडन कैर के रखे जाते हैं, 1 नवीन उलहक का, 1 सीन अबाउट का, बाकी देखिए चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ये मैं आपको चीज क्लियर कर रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक देखा गया है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं,
सबसे पहले फिलिपी का नाम आता है। देखिए जब आप ये पांच बैट्समैन है आपको आपके सामने इन पांचों बैट्समैन को देखना, जोस फिलिपे, कर्टिस पैटरसन, जेम्स विंस, मॉइज़ेस हेनरिकस, जॉर्डन सिल। अब देखिए यहां पे कौन लोग किसको ज्यादा टारगेट करने वाले हैं। यहां पे सबसे पहले किसी को आप एवरेज देखिए, वेन्यू पे आपको क्या दिखेगा, वेन्यू पे आपको एक तो जॉर्डन सिल्क अच्छे दिख रहे हैं, मॉइज़ेस हेनरिकस एवरेज मान सकते हो, बाकी जेम्स विंस का 39 का, पैटरसन का भी आप देखोगे 40 का एवरेज है और फिलिपी का भी है यहां पे 36 का एवरेज है। तो ओवरऑल वेन्यू पे सारे लोग अच्छे रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड में क्या देखा, यहां पे फिलिपी 35 का एवरेज है, कर्टिस पैटरसन एवरेज मान सकते हो, जेम्स विंस का 24 का, यहां पे आप देखोगे हेनरिकस का है वो 28 का एवरेज है, जॉर्डन सिल्क का 54 का एवरेज है। 11 मैच में 54 का एवरेज इनका रहा है, 271 रन कर दिए, और इस मैच में 46 के अराउंड का इनका सिलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट फॉर्म देखना, रिसेंट फॉर्म देखोगे इस बीबीएल में आप इनको एवरेज मान सकते हो, जोस फिलिपी को, पैटरसन का क्या मान सकते हो, यहां पे कहीं ना कहीं इनकी कंसिस्टेंसी में कमी दिखी है, यहां पे भी आप देखोगे कंसिस्टेंसी की कमी है इनके पास। बाकी जेम्स विंस का देखोगे लास्ट मैच 19 है, उसके अलावा यहां पे कुछ खास इनिंग्स नहीं दिखी है, लेकिन जेम्स विंस वो इंपैक्ट वाले प्लेयर है जो कभी भी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। सेम चीज में हेनरिकस का बोलूंगा, अभी तक देखोगे पूरे ओवरऑल फ्लोप दिखे हैं, लास्ट के 8 मैच देखोगे मॉइज़ेस हेनरिकस टोटली फ्लोप दिखे हैं, जॉर्डन सिल्क का देखोगे लास्ट मैच 0 थे, बाकी यहां पे अच्छा कर रहे हैं इस बीबीएल में। अब देखिए जब आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या करना है, देखिए एक मैं आपको जोस फिलिपे सजेस्ट करूंगा, एक मैं आपको जेम्स विंस, मॉइज़ेस हेनरिकस, ये मेरे पिक रहेंगे इस मैच में। जी हां, जोस फिलिपे, जेम्स विंस, मॉइज़ेस हेनरिकस, ये मेरे पिक रहेंगे। अब अगर आप कुछ करना चाहो तो आप जोस फिलिपे को ड्रॉप कर सकते हो, उसके जगह आप जॉर्डन सिल्क ले सकते हो, अगर यहां पे सिडनी सिक्सर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये चेंज अगर आप लोग करना चाहो कर सकते हैं। कर्टिस पैटरसन यहां पे आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। ट्रेंट बोल्ट शायद इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फ्लोप होंगे, बट जिस तरीके की कंडीशन है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। बाकी यहां से देखोगे डैनियल क्रिश्चियन है, उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे, आप देख सकते हैं ज्यादा बोलिंग इनको नहीं मिल रही है, 31 का एवरेज है, 9 का वेन्यू पे है। हेडन कैर अच्छा कर रहे हैं, 8 मैच में 31 का एवरेज, 8 विकेट है, हेड टू हेड में 2 में 3 विकेट है, देखना 32+2 42 13+0, तो ओवरऑल हेडन कैर अच्छा कर रहे हैं। सीन अबाउट की बात करते हैं, इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आप ये चांस ले सकते हो, 33 में 54 विकेट है इस वेन्यू पे, हेड टू हेड में देखोगे 13 में 15 है, रिसेंट फॉर्म देखना, यहां पे अच्छा किया है इस सीजन में सीन एबॉट ने, क्रेडिट का इश्यू बन सकता है, तो उसके लिए आप सीन एबॉट को अगर यहां पे पहले बैटिंग कर रही है सिक्सर्स की टीम तो आप कर सकते हो, या फिर हेडन कैर को। स्टेवन ऑकिफ गेम चेंजर बन सकते हैं, मैच 31-33 विकेट है, 14 मैच में 16 हेड टू हेड में, देखिए लास्ट के 6 मैच देखोगे एक भी मैच इनका विकेटलेस नहीं रहा है। यहां पे एक चीज देखोगे कि मेलबर्न स्टार्स की जो टीम है वहां पे आपको राइट हैंड बैट्समैन लाइक जोय क्लर्क आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, वेबस्टर है, लिक लार्किन है, मार्कस स्टोइनिस है, कार्टराइट है, तो अपने 4 ओवर डाल सकते हैं। टॉड मर्फी है, एक मैच एक विकेट, हेड टू हेड नहीं खेले हैं, रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना इंपैक्ट नहीं दिखा पाते। नवीन उल्लक देखोगे एक मैच में एक विकेट है इस वेन्यू पे, वेन्यू हेड टू हेड में नहीं खेले हैं, बाकी इनके मैच देखो आप लास्ट के 7 मैचेस में एक भी मैच इनका ऐसा नहीं रहा जहां पे इनको विकेट ना मिली हो। बाकी फर्स्ट बॉलिंग में आप नवीन उल्लक आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, बिकॉज डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आ कौन सकता है, देखिए यहां पर कौन खेल सकता है, शायद आपके लिए बैन ड्वेटसिस आ जाए वापस गेम में, या फिर डैनियल ह्यूज, फोकस करना अगर इनमें से कोई खेलता हो तो आप लोग ले सकते हो। मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 यहां पे जोय क्लर्क, थॉमस रोजर्स, ब्याव वेबस्टर, मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट, निक लार्किन, कंबेल काल्वे, ल्यूक वुड की बात करते हैं, उसके अलावा देखिए अब नाथन कुल्टरनाइल आपको नहीं दिखेंगे तो उनके जगह या तो आपको ब्राडी कॉस दिख सकते हैं या फिर लियाम हेडचर दिख सकते हैं, राइट आर्म फास्ट है, राइट आर्म मीडियम है, एडम जेम्पा है और
ट्रेंट बोल्ट है। अब डेथ में गेंदबाजी देखिए, ल्यूक वुड टोटली प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी कर रहा है, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का यहां पे डेथ में एक ओवर आता है, और अगर ब्रैडी कॉच और हेडसन में से कोई खेलता है तो एक ओवर वो डाल सकता है, या फिर मार्कस टोनिस या फिर वेबस्टर में से कोई गेंदबाजी करता है वो एक ओवर डाल सकता है। कौन करता है देखिए यहां पे देखना, क्लर्क की बात करते हैं, क्लार्क की बात करते हैं, एक मैच में एक विकेट है इस वेन्यू पे, हेटवर्ड में देखोगे टोटली फंसे हैं, रिसेंट फॉर्म देखना, स्कोरिंग कर रहे हैं लेकिन उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे। अब विकेट कीपिंग है तो ऑफकोर्स मैं लेके जाऊंगा। थॉमस रोजर्स है, वेन्यू पे नहीं खेले, हेटवर्ड में नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखना भाई उतना कुछ खास है वो थॉमस रोजर्स कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ अगर लेना चाहो ले सकते हो, शायद 30-35 रन कर जाए, बाकी मैं स्मॉल लीग में ड्रॉप करूंगा। जीएल में आप ये कर सकते हो कि जोय क्लर्क को ड्रॉप करके आप थॉमस रोजर्स के साथ जा सकते हो। वेबस्टर एक ऑप्शन है, 4.5 का एवरेज इस वेन्यू पे, 8 का एवरेज, ये भी सिडनी सिक्सर्स के सामने फंस रहे हैं। उसके अलावा स्कोरिंग लास्ट में 43, यहां पर 24+0, यहां पर 4+2, तो स्कोरिंग कर रहे हैं, बट यहां पर एक चीज का ध्यान में रखना, देखिए अगर ये प्लेइंग 11 रहती है तो मार्कस स्टोइनिस या फिर वेबस्टर में से कोई 4 ओवर डालेगा। लास्ट मैच में स्टोइनिस डाल के गए हैं, तो अगर स्टोइनिस ओवर डाल रहे हैं, वेन्यू पे नहीं है, 9 मैच में 35 का इनका सिडनी सिक्सर्स के सामने एवरेज है, अच्छा खेल लेते हैं, रिसेंट फॉर्म बकवास है, लास्ट मैच में इनको एक विकेट भी मिला है, तो अगर ये गेंदबाजी करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपके लिए मार्कस स्टोइनिस एज ए कैप्टन गेम चेंजर बन सकते हैं, और मैं इनको कैप्टनसी देके जाऊंगा। हिल्टन कार्टराइट है, 4 मैच में 20 का एवरेज है इस वेन्यू पे, 31 का एवरेज सिक्सर्स के सामने, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो भाई हिल्टन कार्टराइट का अच्छा नहीं रहा है, कैचिंग पोजीशन में रहते हैं। सीधी सी बात बोलूंगा कि जोय क्लर्क को मैंने आपको जरूर बोला कि आप टीम में रखिए, बट अगर पहले बैटिंग करती है इनकी टीम तो आप इसको ड्रॉप करके स्मॉल लीग में कार्टराइट की तरफ आ सकते हो, स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूं। बाकी यहां से निक लार्किन जो ऊपर आएंगे, शायद जो हिल्टन कार्टराइट है उनसे, 19 का एवरेज है वेन्यू पे, 14 का एवरेज सिक्सर्स के सामने। यहां पे देखोगे इस बिग बैश में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कंसिस्टेंसी उतनी रहती नहीं है। कॉलवे है, वेन्यू और हेड टू हेड नहीं है, लास्ट मैच खेले 25 का है, ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया ओडीआई कब चलती है वहां पे परफॉर्म देखोगे तो एवरेज है, उतनी भी कुछ खास नहीं है। ल्यूक वुड है, हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेले, लेकिन यहां पे देखना लास्ट मैच में 5 विकेट, यहां पे 3 विकेट, यहां पे विकेटलेस नहीं, विकेटलेस रहते, उसके बाद सिलेक्शन कम हुआ, लेकिन इन दोनों मैच में हमने इनको लिया। और अगर पहले बॉलिंग नहीं करती है मेलबर्न स्टार्स की टीम तो आप ल्यूक वुड पे चांस ले सकते हो। लियाम हेटचर अगर खेलते हैं, देखिए वेन्यू पे नहीं खेले, हेड टू हेड में एक मैच में 2 विकेट है, यहां पर आप देखोगे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी है, बाकी लियाम हेडसर एक बढ़िया गेंदबाज है, टारगेट कर सकती है सिक्सर्स की टीम, विकेट मिल सकती है। एडम जेम्पा 5 मैच में 5 विकेट इस वेन्यू पे, 13 में 13 है हेड टू हेड में, यहां पे देखना लगातार विकेट है, लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सेफ सीवीसी अगर करना चाहो तो आप एडम जेम्पा कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट है, हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेले, लास्ट के 3 बिग बैश के मैच देखोगे लगातार ये विकेट निकाल रहे हैं, वर्ल्ड कप उतना शानदार नहीं था लेकिन बैच में विकेट निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं डेथ में भी आ रहे हैं, तो ट्रेंट बोल्ट यहां से मेरे लिए टीम में बनते हैं। अब देखिए यहां से क्लिंट हिंकलिफ है, जेम साइमोर है, कैम मैक्लूर है, ब्रैडी कोच, दोस्तों अगर ब्रैडी कोच खेले ध्यान में रखना, हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इनकी भी कम दिखी है, लेकिन लियाम हेडसर या फिर ब्रैडी कोच में से कोई एक खेलेगा। अब यहां पे प्लेयर्स बैटल में अगर हम लोग जाएंगे ना तो आप देखना, एक तो आप ये देखना डैनियल क्रिश्चियन ने जोय क्लर्क के सामने ने 2 मर्तबा आउट किया है, तो डैनियल क्रिश्चियन को ओवर्स मिल सकते हैं इनके सामने, मैचअप्स के अकॉर्डिंग बॉलिंग होती है। उसके बाद देखोगे उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन यहां पे कार्टराइट को हेडन कैर ने परेशान किया है, जहां पे 8 बॉल में केवल 3 का स्कोर और 2 मर्तबा आउट कर दिया। उसके अलावा देखोगे एडम जेम्पा ने मॉइजेस हेनरिकस की कस के लिए देखना 3 मर्तबा आउट कर दिया, 59 बॉल में 66 रन है। उसके अलावा देखोगे एडम जेम्पा ने फिलिपी की भी कस के लिए 2 मर्तबा आउट कर दिया। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट ने जोस फिलिपी की है वो आप देख सकते हैं 2 मर्तबा आउट कर दिया। उसके अलावा उतना मैचअप्स है नहीं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा एडम जेम्पा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं सिक्सर्स के बल्लेबाज के लिए, जी हाँ, जो कि करते हैं। उसके अलावा देखिएगा टीम मैंने कैसी बनाई है, मैंने विकेट कीपिंग दोनों को लिया, लेकिन आप
इनमें से किसी को भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपका मन है कि भाई हम फिलिपी को ड्रॉप करते हैं, फिलिपी को कर सकते हो, क्लर्क का करना, क्लार्क का करने का हो, क्लार्क को कर सकते हो। और आप अगर पहले बैटिंग कर रही है इनकी टीम, तो आप कहीं ना कहीं क्लार्क, कार्टराइट, वैसे मार्कस स्टोनिस तीनों बनते हैं, आप इनकी जगह ले सकते हो। तो वेबस्टर को ले सकते हो, शायद एक दो ओवर डाल जाए। जेम्स विंस को रखा, हेनरिकस को रखा, कार्टराइट को रखा, सीन एबट को रखा, मार्कस स्टोनिस को रखा, हेडन कैर को रखा, ट्रेंट बोल्ट को रखा, स्टेवन ऑकिफ को रखा, एडम जैम्पा को रखा। कुछ इस तरीके से मैंने टीम बनाई है। अब दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है तो शायद ये आपके लिए फाइनल टीम हो सकती है। कैप्टनसी मैंने थोड़ा सा चांस लिया है, बट अगर मेलबर्न स्टार्स की टीम पहले बैटिंग करेगी तब मैं इनको कैप्टनसी दूंगा, अदरवाइज शायद मैं फिलिपी या फिर हेनरिकस की तरफ है वो अपनी कैप्टनसी लेके जाऊंगा, ये चीज का ध्यान में रखना। बाकी ये फाइनल टीम आपके लिए हो सकती है, समझ गए? ये इनिशियली फाइनल टीम हो सकती है, एक आधा चैनल जो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।